चलिए आज हम लोग गिनती सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने कुछ लिखा हुआ है टेबल, जिसमें 1 से 100 तक पूरा गिनती लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि गिनती किया कैसे जाए, उसके लिए कौन कौन से अंकों का प्रयोग होता है, उसे सीख लेते हैं, ठीक है। गिनती करने के बहुत से तरीके हैं। जैसे शुरुआत में लोग 1, इस से 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे करके लोग करते थे। बाद में लोगों ने अलग अलग तरीका अपनाया। जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, एक तरीका है रोमन, ठीक है। और हम लोग जो भारत में यूज करते हैं वो हिंदू अरेबिक है। हिंदू अरेबिक ऐसा माना जाता है। इस गिनती का जो प्रयोग है वो भारत में हुआ और ये भारत से हिंदुस्तान गया, सॉरी भारत से अरब गया और फिर अरब से ये यूरोप गया, इसलिए इसे हिंदू अरेबिक नाम से जानता है। इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं नॉर्मली वो ये ही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। इसमें कुल 9 अंक 10 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इन्हीं दस अंकों को मिलाकर सारे अंक लिखे जाते हैं, चाहे जो भी हो, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे इन अंकों को लिखने का प्रयोग और फिर उसका टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये 1 है, ठीक है। जब 2 लोग होते हैं या 2 कोई चीज़ हो तो 2, फिर 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन आमतौर पर हम लोग कभी कभी ऐसे लिखते हैं 4। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6, ये 7, इसमें नहीं दिया जाता है लेकिन आमतौर पर लिख लिया, ये 8, ये 9 और ये 10। ये है क्या चीज, जैसे मान लीजिए हम लोग त्रिभुज से एग्जांपल समझते हैं, ये एक त्रिभुज है तो हम लोग 1 को लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब हम लोग ये 1, 2 त्रिभुज है, इसके लिए ये सिंबल है। जब कोई चीज 3 हो तो हम लोग उसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं। जब ये 4 हो तो हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। ये 5 हो जाए तो इसके लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। और ये 6 अगर हो तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अगर हो तो ये ऐसे। उसी तरह से अगर 7 हो जाए तो ये ऐसे, और ये 8 हो जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 8, ये 9 और
फिर से एक बार में समझ लीजिए। एक जब एक त्रिभुज है, दो जब दो त्रिभुज है, जब तीन जब तीन त्रिभुज है, जब चार त्रिभुज है तो चार, ऐसे लिखा गया है। ठीक है, इसे आप फिगर की मदद से समझ सकते हैं। ये तो हो गया हिंदू अरेबिक में। अब हम लोग इससे कैसे अंक लिखते हैं उसे देखते हैं। दो अंकों के लिए इसमें कुछ टेबल है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर हम लोग तीन अंकों का या चार अंकों का या फिर आगे के अंकों के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ये दस, ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ये बीस यहाँ पे। इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और ये तीस। ठीक है, इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस और ये चालीस। उसके बाद आता इकतालीस बयालीस तैंतालीस चवालीस पैंतालीस, ये पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनचास पचास। ठीक है, अब आते हैं इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन सत्तावन अंठावन उनसठ और ये साठ। इकसठ बासठ तिरसठ चौंसठ पैंसठ छियासठ सड़सठ अड़सठ उनहत्तर और ये सत्तर। उसके बाद इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उनासी अस्सी। इक्यासी बिरासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अठासी नवासी और ये नब्बे। इक्यानवे बिरानवे तिरानवे चौरानवे पंचानवे छियानवे संतानवे अंठानवे निन्यानवे और ये सौ। ये तो हो गया पढ़ने का तरीका। ठीक है, अब ये कैसे लिखा गया इसको भी पढ़ने का। ये तो सिंपल है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। इसे पढ़ते एक पर एक, एक और फिर एक, एक पर एक ग्यारह, एक पर दो बारह, एक पर तीन तेरह, एक पर चार चौदह, एक पर पाँच पंद्रह, एक पर छ सोलह, एक पर सात सत्रह, एक पर आठ अठारह, एक पर नौ उन्नीस, दो पर शून्य बीस। ठीक है, दो पर एक इक्कीस, दो पर दो बाईस, दो पर तीन तेईस, दो पर चार चौबीस, दो पर पाँच पच्चीस, दो पर छः छब्बीस, दो पर सात सत्ताईस, दो पर आठ अट्ठाईस, दो पर नौ उनतीस, तीन पर शून्य तीस, तीन पर एक इकतीस, तीन पर दो बत्तीस, तीन पर तीन तैंतीस, तीन पर चार चौंतीस, तीन पर पाँच पैंतीस, तीन पर छः छत्तीस, तीन पर सात सैंतीस, तीन पर आठ अड़तीस, तीन पर नौ उनचालीस, चार पर शून्य चालीस, चार पर एक इकतालीस, चार पर दो बयालीस, चार पर तीन तैंतालीस, चार पर चार चौवालीस, चार पर पाँच पैंतालीस, चार पर छः छियालीस, चार पर आठ अड़तालीस, चार पर नौ उनचास, पाँच पर शून्य पचास, पाँच पर एक इक्यावन, पाँच पर दो बावन, पाँच पर तीन तिरपन, पाँच पर चार चौवन, पाँच पर पाँच पचपन, पाँच पर छः छप्पन, पाँच पर सात सत्तावन, पाँच पर आठ अंठावन, पाँच पर नौ उनसठ, छः पर शून्य साठ, छः पर एक इकसठ, छः पर दो बासठ, छः पर तीन तिरसठ, छः पर चार चौंसठ, छः पर पाँच पैंसठ, छः पर छः छियासठ, छः पर सात सड़सठ, छः पर आठ अड़सठ, छः पर नौ उनहत्तर, सात पर शून्य सत्तर, सात पर एक इकहत्तर, सात पर दो बहत्तर, सात पर तीन तिहत्तर, सात पर चार चौहत्तर, सात पर पाँच पचहत्तर, सात पर छः छिहत्तर, सात पर सात सतहत्तर, सात पर आठ अठहत्तर, सात पर नौ उनासी, आठ पर शून्य अस्सी।
आठ पर 81, आठ पर 82, आठ पर 83, आठ पर 84, आठ पर 585, आठ पर 686, आठ पर 787, आठ पर 888, आठ पर 989, नौ पर 099, नौ पर 91, नौ पर 292, नौ पर 393, नौ पर 494, नौ पर 595, नौ पर 696, नौ पर 797, नौ पर 898, नौ पर 999, 100 पर 10 पर 0, 10 पर 0 100, 10 पर 0 100। ठीक है, ये हो गया गिनती का हिंदी में। अगर हम लोग इंग्लिश में करना चाहें तो कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, 1 9 19, 2 0 20, 2 1 21, 2 2 22, 2 3 23, 2 4 24, 2 5 25, 2 6 26, 2 7 27, 2 8 28, 2 9 29, 3 0 30, 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40, 4 1 41, 4 2 42, 4 3 43, 4 4 44, 4 5 45, 4 6 46, 4 7 47, 4 8 48, 4 9 49, 5 0 50, 5 1 51, 5 2 52, 5 3 53, 5 4 54, 5 5 55, 5 6 56, 5 7 57, 5 8 58, 5 9 59, 6 0 60, 6 1 61, 6 2 62, 6 3 63, 6 4 64, 6 5 65, 6 6 66, 6 7 67, 6 8 68, 6 9 69, 7 0 70, 7 1 71, 7 2 72, 7 3 73, 7 4 74, 7 5 75, 7 6 76, 7 7 77, 7 8 78, 7 9 79, 8 0 80, 8 1 81, 8 2 82, 8 3 83, 8 4 84, 8 5 85, 8 6 86, 8 7 87, 8 8 88, 8 9 89, 9 0 90, 9 1 91, 9 2 92, 9 3 93, 9 4 94, 9 5 95, 9 6 96, 9 7 97, 9 8 98, 9 9 99, 100, 100। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।